starts this topic online classes. This topic has a very, very important key student. Be careful and requested point is student, please video like, share, subscribe and bell icon press. Students, this topics on both sides, very, very important. Collected and CRT book according. Students, be careful and requested to see on board and start the topic. Students, today take the topic chemical properties of group 18 elements. In study, taking points, xenon chlorine compounds. आज का हमारा जो लिया गया जो टॉपिक है xenon chlorine compounds है, इसके ऊपर हम ब्रीफली अध्ययन करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हैं कि नोबल गैस जो होती है इनर्टनेस गैस होती है, किसी से साथ रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन हमने बताया था नील बोडले ने 1962 में ब्रिटिश कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर एक्सपेरिमेंट करने के बाद कहा कि जितने सिक्स जो मेंबर होते हैं टीम ग्रुप के अंदर जो रखे गए हैं उसमें से जीनान ही एक ऐसा एकलौता एलिमेंट है जो कि क्लोरीन के साथ बाइनरी कंपाउंड फॉर्मेट करता है, अदर कोई कंपाउंड अदर कोई एलिमेंट्स नहीं करते हैं, जिसके ऊपर हम केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर स्टडी करेंगे। आइए जीनान क्लोरीन कंपाउंड्स। जीनान फॉर्म्स थ्री बाइनरी कंपाउंड। जीनान जो है निर्माण करता है बाइनरी कंपाउंड का क्लोरीन के, जो कौन कौन से हैं H2 जीनान डाई फ्लोरीन, नेक्स्ट है जीनान टेट्राफ्लोराइड्स एंड नेक्स्ट है जीनान हेक्साफ्लोराइड्स। यानी ये तीन है HCF2 HCF4 एंड HCF6 बाय द डायरेक्ट रिएक्शन ऑन द एलिमेंट अंडर अपोजिट एक्सट्रीम कंडीशंस। यानी इनका हम डायरेक्ट प्रोटेक्स कंडीशन के बेस पर, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन के बेस पर हम रिएक्ट कराते हैं, तो ये जो है तीनों बाइनरी कंपाउंड ओपेक होते हैं। आइए हम देखते हैं कैसे हुआ। जीना गैस फेस रिएक्ट हो क्लोरीन गैस फेस ऑन हीटिंग 673 केल्विन एंड 1 बार टू फॉर्म HCF2 सॉलिड स्टेट। इस सॉलिड स्टेट में आया नेक्स्ट क्लोरीन गैस स्टेट रिएक्ट हो टू क्लोरीन जीना गैस स्टेट एंड रिएक्ट हो क्लोरीन ऑन गैस स्टेट प्रेजेंट इन टेंपरेचर 873 केल्विन एंड 7 बार टू फॉर्म ऑफ द HCF4 सॉलिड स्टेट। ओके नेक्स्ट जीना गैस स्टेट रिएक्ट हो क्लोरीन गैस स्टेट 573 केल्विन 6270 और कन्वर्ट टू फॉर्म HCF6 जीनान हेक्साफ्लोराइड गैस फेस। जीनान हेक्साफ्लोराइड कैन बी द आल्सो प्रिपेयर्ड बाय द इंटरेक्शंस ऑफ द HCF4 एंड O2 F2 एट 173 केल्विन HCF4 प्लस 2O O2 F2 इज इक्वल टू HCF6 प्लस O2। यानी जैसा हम कह सकते हैं कि जीनान हेक्साफ्लोराइड यह जो है प्रिपेयर किया गया इंटरेक्शन आपका जीनान टेट्राफ्लोराइड एंड ऑक्सीजन पर ऑक्साइड फ्लोराइड के लेकर 143 केल्विन पर, तो यह कन्वर्ट हो गया जीनान हेक्साफ्लोराइड में। जैसा ये रिएक्शन देखते हैं आपने हमने इसको बताया। अगला HCF2 HCF4 एंड HCF6 आर द कलरलेस क्रिस्टलाइनिंग सॉलिड्स। ये जो है कलरलेस क्रिस्टलाइनिंग सॉलिड होते हैं एंड सब्लिमेट रेटली एट 298 केल्विन। यह जो है उत्पादक हो जाते हैं डायरेक्ट सॉलिड से गैस में बदल जाते हैं 298 केल्विन। ओके दे आर पावरफुल क्लोरीनेटिंग एजेंट्स। यानी जो बाइनरी कंपाउंड बनते हैं वह एक पावरफुल क्लोरीनेटिंग एजेंट होते हैं। दे आर द रेडली हाइड्रोलाइज्ड इवे
यानी जीनान एंड हाइड्रोजन क्लोराइड एक ऑक्सीजन देता है, यानी जीनान डाइक्लोराइड का जब हाइड्रोलाइज कराया जाता है, जीनान डाइक्लोराइड को जब वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो जीनान प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड एंड ऑक्सीजन देता है। क्लियर हो गया? यानी ट्रेस ऑफ कैसे करते हैं जो है आपके जीनान जो पावरफुल फ्लोरेटिंग एजेंट होता है इसको जो है ट्रेस ऑफ करने के लिए वाटर से किया जाता है। जैसा हमने ऊपर में आपको हमने बताया द स्ट्रक्चर्स ऑफ थ्री जीनान क्लोराइड्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म वेस्पर्स एंड थ्री एंड दिस आर द शोइंग फिगर। यानी हम कह सकते हैं यह तीनो बाइनरी कंपाउंड XeF2, XeF4 and XeF6 यह तीनो बाइनरी कंपाउंडों का स्ट्रक्चर सम वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग दे सकते हैं, यानी वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन के अकॉर्डिंग हम दे सकते हैं। जैसा कि फिगर में हम अभी बताएंगे XeF2 and XeF4 हैव ए लीनियर, ये लीनियर कंडीशन शो करेंगे एंड स्क्वायर प्लेनर। ओके, स्ट्रक्चर्स रिस्पेक्टिवली XeF6 हैव ए 7 इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी XeF6 के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं एंड ऑन दस्त हैव ए डिस्टोरेटेड ऑक्टाहाइड्रल, यानी XeF6 जो होता है डिस्टोरेटेड ऑक्टाहाइड्रल जो है ये स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंट करता है। स्ट्रक्चर एज ए फाउंड एक्सपेरिमेंटली इन द गैस केस, यानी XeF6 जो है डिस्टोरेटेड ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर शो करता है या गैस फेज में शो करता है या एक एक्सपेरिमेंटली टेंडेंसी दिखाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं Xe इसके आउटर पोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो यह क्लोरीन को एक एक्स क्लियर यह रिएक्ट कर लेता है और यह जो है ये एट इलेक्ट्रॉन ये जो है सिक्स इलेक्ट्रॉन पेयर के रूप में रह जाते हैं। इस तरह XeF2 की जो स्ट्रक्चर होता है वह लीनियर होता है, XeF4 का जो स्ट्रक्चर होता है स्क्वायर प्लेनर होता है। जैसा कि डायग्राम देख रहे हैं अगला जो है आपका XeF5 का जो स्ट्रक्चर होता है XeF6 का जो स्ट्रक्चर होता है वह डिस्ट्रॉटेड ऑक्टाहाइड्रल होता है एंड नेक्स्ट जो है आपका XeF4O का जो स्ट्रक्चर होता है यह स्क्वायर पिरामिडल होता है और अगला स्ट्रक्चर है XeO3 का जो स्ट्रक्चर होता है पिरामिडल होता है। तो जैसे स्ट्रक्चर्स में आप देख रहे हैं ऐसे हम उसको बाद में करते हैं रिएक्ट करने के बाद रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन को पेयर इलेक्ट्रॉन एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के रूप में शो कर दिया जाता है ऐसे जो हम दिखाया गया है। तो स्टूडेंट्स यह टॉपिक बिल्कुल आपने क्लियर कर लिया, इसमें किसी तरह का डाउट नहीं है। स्टूडेंट्स दिस टॉपिक रिलेटेड टू क्वेश्चन टेक अप, स्टूडेंट्स प्लीज टेक द पेन एंड कॉपी राइट द क्वेश्चन। एक्सप्लेन द जीनान क्लोरीन कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स रिपीटेड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द जीनान क्लोरीन कंपाउंड्स एंड ड्रा द स्ट्रक्चर्स। स्टूडेंट्स प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड चेक द सम। ओके थैंक्स।